सो भाई लोग, आप में से जो जो लोग स्ट्रीमर हैं, जो गेम्स की स्ट्रीमिंग करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लाइक यूट्यूब, फेसबुक कहीं या किसी ऐप पे, और एडिटिंग जो लोग करते हैं, 2K एडिटिंग तक करना चाहते हैं या फुल HD हाई सेटिंग पे गेम्स खेलना चाहते हैं, तो आप में से उन लोगों के लिए PC है। सो व्हाट्स अप लोग, कैसे हो आप सब? दिस इज शादाब खान आपका भाई, एंड वेलकम टू मिस्टर बीसी वाले। आज का जो बिल्ड का ऑर्डर आया है हमारा, ये है कल्याण थाने महाराष्ट्र से आया है, जिनका बच्चा है, 20 साल का स्टूडेंट है, नाम है इनका आदित्य गजनन रणे, और मुंबई महाराष्ट्र का, सॉरी महाराष्ट्र बिल्ड आया हमारा। रफली 75K के आसपास का PC है, 75,000 रुपये में बहुत ही लाजवाब PC मैं आपसे बोलूंगा। अच्छी स्ट्रीमिंग कराएगा आपको, 2K लेवल की एडिटिंग कराएगा, एंड 1080p की हाई सेटिंग पे गेमिंग कराएगा। बेंचमार्क आपको मिलेंगे, देखते जाना, और टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। चैनल पे आप लोग पहली बार आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑन करके ऑल कर देना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। सो भाई लोग, उसके बाद सबसे पहला कंपोनेंट देखिए हमने जो उसमें यूज़ किया है, वो उसकी कैबिनेट जो मेन होती है हमारी चीज़, वो हमारी यूज़ हुई है, एंड उसकी आपके सर्किल की फ्यूरियस 360 ARGB कैबिनेट हुई है, ब्लैक कलर की कैबिनेट है। फ्रंट पे देखिए आपको यहाँ पे टफन मिलता है, प्लस साइड में भी टफन ग्लास मिलता है, और इस साइड देखिए कुछ जाली टाइप की दे रखी हैं, इस वेंट्स दे रखी हैं, यहाँ से ये एयर इनटेक लेता है, क्योंकि फ्रंट में टफन है तो एयर इनटेक कहाँ से लेगा, साइड के भी बंद है, तो इसीलिए यहाँ पे एयर इनटेक के लिए वेंट्स दे रखी हैं। टॉप पे आप इसमें सबसे अच्छी बात 360 mm का लिक्विड कूलर को इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। 120 mm से लेकर 360 mm तक लिक्विड कूलर आपका इजिली इंस्टॉल हो जाएगा, प्लस ये इसके हो गए सारे आपके सामने IO पोर्ट्स। उसके अलावा साइड में आपको मिल जाती है इसमें टफन ग्लास, पीछे भी आपको एक ARGB फैन मिलता है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये 4 ARGB फैन आपको दिए, ये आपको इनबिल्ट फैन है, और साथ में आपके बॉर्डर पे कॉर्नर पे बहुत ही अच्छी RGB दे रखी है, बहुत ही शानदार RGB लुक इसमें दे रखा है। तो ये इस कैबिनेट को हम लोग इस पर्टिकुलर बिल्ड में कर रहे हैं यूज। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। सो भाई लोग, उसके बाद जो हम लोग इसमें सप्लाई यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं गीगाबाइट के साथ, ऑनली गीगाबाइट 650B हमारी सप्लाई हुई है, 650 वॉट की 80+ ब्रॉन्ज सप्लाई। तो हमें पेपर कटर नहीं मिल रहा, पहले हम ढूंढ लेकर रुकी। सो ये रही हमारी सप्लाई, सबसे पहले हम यहाँ से इसको सील को अनपैक करेंगे। हमें कुछ नहीं ज़्यादा मिलता है, एक हमें मिलती है पावर केबल, ये सपोर्टिव कुशन, और ये मिलती है इंडिविजुअल पावर सप्लाई। 650 की सप्लाई यूज़ की है, प्राइसिंग की बात करें डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद जो हम उसमें मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं गीगाबाइट का B550M DS3H AC वाईफाई मदरबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको वाईफाई, ब्लूटूथ इनबिल्ट मिलता है गीगाबाइट का M4 सॉकेट बेस्ड है, 3 ईयर्स की वारंटी आती है। आप इसमें AMD के 5th जनरेशन के कोई भी प्रोसेसर को ईजिली लगा सकते हैं। AMD 5000 डेस्कटॉप रेडी प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, और ये रहा इसका सीरियल नंबर आपकी स्क्रीन पर, और ये लगी हुई है यहाँ पे इसकी सील, एकदम मजबूत। तो ये सील को हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक, ये सील हम जैसे ब्रेक करेंगे सबसे पहले देखते हैं क्या क्या मिलता है इसमें। ओके, एंटीना तो कहाँ गए भैया, एंटीना अंदर हो क्या? हाँ, तो सबसे पहले ये मिलती है IO शीट, ये मिलते हैं इसके एंटीना, ये मिलती है SATA केबल, और ये मिलता है हमारा मदरबोर्ड, इसमें अंदर भी सील लगी होती है। ये लो बेटा, ये देखिए, ये हमारा मदरबोर्ड, 4 RAM स्लॉट पे, 2 ATI के स्लॉट, 1 NVMe का स्लॉट, ये प्रोसेसर का स्लॉट, ये दे रखे हैं इसके IO पोर्ट, गीगाबाइट B550M DS3H AC। ये आपको 2 वेरिएंट मिलता है, एक AC, एक नॉन AC। AC मतलब इंक्लूडिंग विद वाईफाई एंड ब्लूटूथ, एक आता है विदाउट वाईफाई एंड ब्लूटूथ। तो ये बोर्ड यूज़ हो रहा है। बात करें इस बोर्ड की कॉस्टिंग की, समवेयर अराउंड 11,000 के आसपास तो आपको कॉस्ट करता है, ये चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे कंपोनेंट्स के प्राइस मैंने डाल दिए हैं, चेक कर लेना कि जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो उस दिन उस कंपोनेंट का क्या प्राइस है। सो गाइस, अगर आपको भी कोई इसी तरीके से PC बिल्ड करना है, तो सबसे पहले हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम शादाब खान, ये आपकी भाभी निशी भाभी, आप अंकित कुमार शर्मा। तो हमारा जो स्टोर का नेम है मिस्टर PC वाले, सिचुएटेड है हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में।
अगर आपको कोई इसी तरीके से पीसी बिल्ड कराना है, हम लोग ऑल ओवर इंडिया शिपिंग करते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट खोल के देखिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे हर स्टेट वाइज हमने लिख रखा है कहाँ कहाँ हमने शिपिंग की है। अगर आपको हमसे पीसी परचेस करना है तो अभी हमारे पास टू वेज हैं। सबसे पहला वेज है व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है क्या है 9532777615। वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज करिएगा और आपको जल्द से जल्द रिवर्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा व्हाट्सएप पे, वो फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा, आपको रिवर्ट मिल जाएगा। बाई चांस रिवर्ट नहीं मिलता है, क्या नंबर क्या है 9532777615। अदरवाइज जो सेकंड ऑप्शन हमसे कॉन्टेक्ट करने का है वो मैडम क्या है? सेकंड ऑप्शन है इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, यूजर हैंडल है हमारा मिस्टर पीसी वाले विदाउट एनी स्पेस, वहाँ पे जाके आप डीएम कर सकते हो और वहाँ पे भी आपको एक ऑटो जनरेटेड फॉर्म मिलेगा जिसे आप फिल कर दोगे। वहाँ पे मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगी, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी और फिर हम बात करेंगे। और हाँ, फेक पेज से बचना, हमारे बहुत सारे हमारे नाम के फैन पेज फेक पेज बने हुए हैं, तो प्लीज उनसे बचना, बचिए ठीक। और उसके अलावा अगर आप चाहते बताएं आपको, हम लोगों ने इंडिया के काफी बड़े बड़े गेमर्स के पीसी बिल्ड किए, जैसे अंतर्यामी गेमिंग, बंदूकबाज, साइबर, एंड्रियोबी, किलचोर, राही, मतलब एटसेट्रा सारे। और आपको बताएं, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, व्हाट्सएप नंबर का भी, सारे यूट्यूबर अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, तो आप हमसे भी इसी तरीके पीसी ले सकते हैं। इतनी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने हमारी सुनी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो भाई लोग, उसके बाद जो हमने इसमें प्रोसेसर यूज किया है वो यूज किया है, ये देखिए आप, AMD Ryzen 7 और कौन सा 5700X यूज़ किया, जो आता है 8 कोर एंड 16 थ्रेड, 8 कोर 16 थ्रेड पे, जिसकी बेस है 3.4, बूस्ट जाता है 4.6 GHz तक। और उसका सीरियल नंबर क्या लिखा है ये देखो, यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, चेक कर लेना, और सील आपके सामने पूरी लगी हुई है, तो इसकी सील हम करते हैं ब्रेक, तो 3, 2, 1 गो। ये सील ब्रेक की अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं वो आपको हम दिखा देते हैं। ये कुछ खास नहीं मिलता है, एक ये पैकेट मिलता है जिसमें कुछ का किसी काम का नहीं है, बाकी ये प्रेम पत्र मिलते हैं हमको, ये देखिए कुछ पेपर्स, और ये रहा हमारा इंडिविजुअल प्रोसेसर AMD Ryzen 7 5700X। तो इस प्रोसेसर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सोचो आप 75K के बजट में एक 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, किस लेवल की स्ट्रीमिंग करेगा, किस लेवल की एडिटिंग करेगा, आप सोच के देखो एक बार। उसके बाद जो उन्होंने इसमें रैम लगाई है वो लगाई है XPGA की T58x2 3200MHz की RGB रैम। सबसे मेन थिंग RGB रैम है, बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। ये रहे दो साइड सील होती है, यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ, किसी भी साइड से आप इसकी सील को काट सकते हैं। तो हमने इसकी सील ये ब्रेक की एंड 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 ये ब्रेक की, ये देखिए बिल्ड क्वालिटी वाइज कुछ इस तरह की रैम है, मैट ग्रे कलर पे है देखिए, और ये रहा सीरियल नंबर इसका, ये रहा सीरियल नंबर इसका। बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं सच बता रहा हूँ आपको, D50 का कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी रैम है। बाकी प्राइसिंग की डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, चेक कर लेना आप लोग। सो भाई लोग, उसके बाद जो हम लोग इसमें NVMe मतलब अम्मीएमई यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं किंगस्टन की NV2 500GB की NVMe, जिसकी रीड स्पीड है मैक्सिमम अप टू 3500 MBPS। ठीक, तो आइए इसकी सील करते हैं हम लोग ब्रेक। ये रहा सीरियल नंबर आपके सामने, ऐसा नंबर देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो 500GB के NVMe में यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप अपना विंडोज़ डाल सकते हैं, सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं और सारे गेम्स के ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जब बात हो गई है इतने बड़े बिल्ड की, तो भाई साहब कार्ड भी इसमें बड़ा लग रहा है, ये लग रहा है GigaByte का G4 RTX 3060 विनफोर्स OC एडिशन 12GB का ग्राफिक कार्ड। ये देखिए दिया हुआ है इसका, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर, ठीक ये सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो आइए जो इसको करते हैं अनबॉक्स। तो हमने ये खोला और यहाँ से ये सील ये ब्रेक होगी, ये देखिए ये निकला हमारा ग्राफिक कार्ड 12 फैन का, एक ये फैन पीछे हमारी बैकप्लेट आती है साथ में। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। आईओ पोर्ट्स की बात करें तो ये देखिए आपके सामने दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे 4 आईओ पोर्ट्स भी मिल जाएंगे। ठीक, तो ये ग्राफिक कार्ड 3060 में लोगों ने इस बिल्ड में यूज़ किया है। आइए जो था फटाक से बिल्ड कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं भाई, एक लाइक तो बनता ना, लाइक कर देना है। तो आदित्य भाई देखो, सारे कंपोनेंट आपके अनबॉक्स हो गए हैं, 550 मदरबोर्ड हो गया वाईफाई के साथ में, और ये आपकी पेयर में रैम हो गई एक 500GB NVMe 5700X 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर हो गया, और ये रहा आपका GPU डुअल फैन पे 3060 हो गया। और भैया कैबिनेट वगैरह में हम ये देखो ये लगी हुई है, कैबिनेट अपना मैनेज कर दे रहे हैं, और उसके बाद पहले बना लेते हैं बंडल,
फिर दिखाते हैं आपको लुक, कैमरा का क्या लुक आ रहा है आपका। सो भाई लोग, पीसी हमारा कंप्लीट हो चुका है, डन हो चुका है, और ये देखिए बिल्ड होके हो चुका है फुल रेडी। ठीक, पीसी हमारा देखिए फुल ऑन रेडी हो गया। ऑन करते हैं इसको। सो ये हमने पीसी को कर दिया है ऑन, और आपको देखिए तीन फैन फ्रंट में देखिए ARGB के मिलते हैं, ये देख लीजिए, प्लस एक ARGB का फैन आपको पीछे भी मिलता है। ARGB कितनी अच्छी लग रही है, इसकी ज़बरदस्त लग रही है ARGB, ये देखिए आप है। और कॉर्नर पे जो बॉर्डर है ना फ्रंट बैक एजेस, यहाँ पे देखिए एक रिंग गया है ARGB का है, वो देखिए, और पीछे भी एक रिंग गया है, ये देख लीजिए, और पीछे दिख रहा है। प्लस आपके ये लिक्विड वो एयर कूलर, इसका देखिए ARGB और रैम की भी ARGB। लुक वाइज, एस्थेटिक वाइज, हर चीज़ में सिस्टम हमारा बहुत ज़बरदस्त है। बजट के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है यार, इसलिए आई एम टेलिंग यू, बजट के हिसाब से सिस्टम हमारा बहुत 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 लाजवाब है। बहुत मज़ा आ गया भाई सिस्टम खाली हमको देख के, मज़ा आ जाए आपको। क्योंकि होता क्या है, मोस्टली जब ये इस बजट लेवल के पीसी बनते हैं तो बजट लेवल के पीसीज में ज़्यादा लुक नहीं आ पाता, बट इस सिस्टम में लुक दिया जाता है। ये काम करते हैं, ज़्यादा इसकी विंडोज इंस्टॉल करते हैं। सो भाई लोग, पीसी अपना कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। बहुत मेहनत की, बहुत हमों ने जान झोंक दी इस पीसी में बच्चे के, क्योंकि 5700 इसके साथ 30-60 पे ये 75K में समझो अपने सेगमेंट का सबसे बेस्ट पीसी है, अपने सेगमेंट का सबसे बेस्ट पीसी है। सो कैसा लगा पीसी कमेंट करके बताना। आपको नया पीसी बाय करना है 9532777615 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, और उसके अलावा आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो ऑन ऑर्डर देने के लिए मिस्टर पीसी वाले विदाउट एनी स्पेस हमारा यूजर नेम है, वहाँ आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो। ठीक, सो आज के लिए इतना ही, एज ऑलवेज मुस्कुराते रहिए, खुशी सेफ रहिए, अच्छी दोस्ती बनाए रखिए, जल्दी मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सी यू ऑन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।